कौसा कोविड सेंटर के मंत्री के दौरे के दरमियान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने चलाई कोरोना लोकल। यात्रीगण कृपया सावधानी पूर्वक कतार में उतरे। पैसेंजर्स प्लीज अलाइट केयरफुली इन क्यू। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 24 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ठाणे मनपा मुख्यालय आए, जहां पर उन्होंने कौसा स्टेडियम में, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में जो कोविड सेंटर बनाया गया है, ये कोविड हेल्थ सेंटर का उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया। उसके दूसरे दिन 25 अगस्त मंगलवार के दिन राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़, इन्होंने इसका दौरा किया। उनके अथक प्रयासों से और उन्हीं के द्वारा जो निधि उपलब्ध कराया गया था, फंड उपलब्ध कराया गया था, उसके चलते ये यहाँ पर कोविड सेंटर बना हुआ है। अब इसका दौरा मुकम्मल हो जाने के बाद उन्होंने किया और उसकी शुरुआत भी, मतलब समझो मंगलवार 25 अगस्त से ही, शाम से ही हो चुकी है। जब मंत्री जितेंद्र आवाड़ दौरे पर आए, तो हम कुछ पत्रकारों ने उन्हें, जो भीड़ थी उसके संबंध में उनसे कहा कि आप इन्हें मना कीजिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मना करूंगा लेकिन ये सुनने वाले नहीं है। तो इस कोविड सेंटर पर कोरोना की लड़ाई है, फिजिकल सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है शारीरिक रूप से, तो उसका ज़रा भी एनसीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पालन करते यहाँ दिखाई नहीं दिए। मंत्री भी उनसे कितने झल्लाए हुए थे उनके जवाब से पता चल रहा था कि मैं मना करूंगा फिर भी ये मानेंगे नहीं। तो ये कैसे नहीं मान रहे थे अपने मंत्री, अपने नेता की भी बात, और इस कोविड सेंटर में कैसे कोरोना स्पेशल लोकल चला रहे थे, उसके तमाम वीडियोज और दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद देखेंगे और कहेंगे कि ठीक है, मुमरा में कोरोना जीरो पर आ चुका है, काबू में आ चुका है, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है कि हम कोरोना की जो गाइडलाइन है, कोरोना से बचने के जो उपाय है, उसके लिए जो एक प्रिकॉशन लेना चाहिए उस पर अमल भी नहीं करेंगे। शहर को चलाने का दावा ये लोग करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं, मगर ऐसे मौके पर इनके ये दावे या इनकी वो बातें कहाँ चली जाती है वो समझ में नहीं आता है। तो देखिए एनसीपी कार्यकर्ताओं की कोरोना लोकल, खुद उनके अपने कोविड सेंटर में।